कोई भी व्यक्ति कितना भी कुशल रहा हो, जैसे ही कांग्रेस की संगति में आ जाता है तो उस पर रहीमदास का वो दोहा लागू हो जाता है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। बताइए सुधीन कुलकर्णी जी, हमारे टाइम में उनको अटल जी और अडवाणी जी में तपस्वी नजर आता था। अगर न विश्वास हो तो जून 2009 का तहलका मैगजीन में इनका आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जाके, अडवाणी जी के अब उनको राहुल गांधी तपस्वी नजर आने लगा। देखिए झारखंड सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, केंद्र सरकार इस विषय पे पूरी तरह संवेदनशील है, पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार उस विषय को लेकर चल रही है और मानवीय बात है ये विषय झारखंड सरकार के अधीन है, परंतु केंद्र सरकार अपने स्तर से उसका समाधान निकालने का हर संभव संवैधानिक प्रयास करेगी। हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, रॉ के पूर्ण प्रमुख उसमें नजर आए, किस तरह देखती है? देखिए बहुत आपने अच्छी बात कही, मुझे समझ ही में नहीं आता कांग्रेस की संगति में कोई व्यक्ति जाता है तो कैसे हो जाता है। अच्छे भले हमारी सरकार के समय में वो एडवाइजर थे और इनके साथ चले गए तो किताब लिख दी ISI प्रमुख के साथ, तो समझ ही में नहीं आता है कि क्या हो जाता है। बताइए सुधीन कुलकर्णी जी, हमारे टाइम में उनको अटल जी और अडवाणी जी में तपस्वी नजर आता था। अगर न विश्वास हो तो जून 2009 का तहलका मैगजीन में इनका आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जाके, अडवाणी जी के अब उनको राहुल गांधी तपस्वी नजर आने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुशल रहा हो, जैसे ही कांग्रेस की संगति में आ जाता है तो उस पर रहीमदास का वो दोहा लागू हो जाता है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। एक और सवाल है मेरा, पूरे देश भर में जैन समाज आंदोलन करते, कल जयपुर में एक जैन संघ के दौरान उनकी मौत हो गई, निधन हो गया, क्या लगता है आपको केंद्र सरकार, क्योंकि इनकी जो मांग है वो यही है जो पर्वत है उसको पर्यटन करना उचित है, जैन की? देखिए झारखंड सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, केंद्र सरकार इस विषय पे पूरी तरह संवेदनशील है और जैन समाज भारत का आपको पता होना चाहिए सबसे हाईली एजुकेटेड और सबसे समृद्ध समाज है, जो कि टैक्स कंट्रीब्यूशन भी करता है, सबसे शांतिप्रिय समाज है, तो पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार उस विषय को लेकर चल रही है और मानवीय बात है यह विषय झारखंड सरकार के अधीन है, परंतु केंद्र सरकार अपने स्तर से उसका समाधान निकालने का हर संभव संवैधानिक प्रयास करेगी।